Hello class, in this video we will learn how to use have or has. Okay, use of have or has. Have or has का use हम लोग कहां करें, ठीक है। सबसे पहले have और has का use किस subject में होता है ये हम लोग जान लेंगे, ठीक है। I, we, you, they or more than one, ये का सब्जेक्ट रहेगा, तो हम इसके साथ have का यूज करें, ठीक है ना। I have, we have, you have, they have और एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक थिंग रहे तो हैव का यूज करेंगे, है ना। एक से ज्यादा और हैज का यूज ही सी इट और सिंगल सिंगल पर्सन, है ना। इस सब में हम हैज का यूज करेंगे, सिंगल पर्सन हो या सिंगल थिंग हो हैज का यूज करेंगे। समझ आ गया, हैव का यूज होगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैज का यूज ही हैज, सी हैज, इट हैज और अगर कोई सिंगल व्यक्ति हो या सिंगल वस्तु हो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हैव और हैज का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हमारे पास हो या रखने का जिक्र हो तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के बदले हैव और हैज का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, कलम मेरे पास है। मुझे एक कलम है, मुझे एक कलम है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कलम है और मैं एक कलम रखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कलम है। यानी कि कलम अपने पास रखने का जिक्र आया, मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं, ये तीनों सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आई, आई के साथ हर्किंग वर्ब हैव लगाएंगे। आई हैव अ पेन, हैव मतलब मेरे पास होना, है ना। जो भी सब्जेक्ट है उसके पास होने का अगर जिक्र हो कोई भी वस्तु तो हैव और हैज का यूज होगा, ठीक है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मुझे एक कलम है, आई हैव अ पेन। मैं एक कलम रखता हूं, आई हैव अ पेन। ये तीनों सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन होगा, है ना, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास गुड़िया है, आई हैव अ डॉल। मेरे पास रखने जाया इज, एम, आर, वाज, वेर, शैल बी, विल बी का यूज नहीं होगा, हैव का यूज होगा, है ना। मेरे पास एक गुड़िया है, आई हैव अ डॉल। तुम्हारे पास कार है, किसके पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे क्या होता है, यू, यू के साथ हैव लगाते हैं, यू हैव अ कार। उसी तरह से उसके पास कुल्हाड़ी है,
ही हैज एन एक्स, समझ में आया, उसके पास कुल्हाड़ी है, यहां ही है, हम पहले पढ़े थे ही के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का यूज होता है ना, बाकी सब में हैव का यूज होता है, ठीक है। मेरे पास गुड़िया है, आई हैव अ डॉल, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, उसके पास कुल्हाड़ी है, ही हैज एन एक्स। उन लोगों के पास दो कलमे हैं, दे हैव टू पेंस, ठीक है, आया समझ में। मेरे पास गुड़िया है, आई हैव अ डॉल, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, उसके पास कुल्हाड़ी है, ही हैज एन एक्स। उन लोगों के पास दो कलमे हैं, दे हैव टू पेंस, है ना, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ है ना। हैव और हैज का यूज करने में हम पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव है ना, नहीं का यूज होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास पेंसिल नहीं है, नहीं का यूज हुआ, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का नॉट का यूज करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट अ पेंसिल, आई हैव नॉट अ पेंसिल, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव नो पेंसिल, ठीक है। अगर नॉट का यूज करेंगे तो ए लगाएंगे, और अगर नो का यूज करें तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई हैव नॉट अ पेंसिल, आई हैव नो पेंसिल, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पास फल नहीं है, सी हैज नो फ्रूट्स, यहां पर फ्रूट का गिनती नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं, इसलिए डायरेक्ट नो फ्रूट्स लिखेंगे, सी हैज नो फ्रूट्स, ठीक है। हम लोगों के पास घर नहीं है, हम लोगों के पास घर नहीं है, वी हैव नॉट अ हाउस, या वी हैव नो हाउस, ठीक है, समझ में आया। हम लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेंसिल या आई हैव नो पेंसिल, ठीक है। सी हैज नो फ्रूट्स, इसमें काउंट में है नहीं फ्रूट, इसीलिए डायरेक्ट नो फ्रूट्स लिखेंगे। हम लोगों के पास घर नहीं है, वी हैव नॉट अ हाउस, या फिर वी हैव नो हाउस, इस तरह से हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, क्वेश्चन वर्ड, है ना, वाई किससे पहले क्या का यूज होगा, ठीक है। जैसे क्या राम को गाय है, क्या पहले आ गया, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हो और क्वेश्चन वर्ड में कोई भी क्वेश्चन मार्क में कोई भी सेंटेंस हो और अगर उसका आंसर यस और नो में रहे तो क्या करना है, क्या के बदले हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है। राम को गाय है, राम हैज अ काउ, तो इसको जस्ट उल्टा करना है, हैज राम, हैज राम अ काउ, इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव में राम हैज अ काउ,
राम के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, यहां क्या पहले लगा इसके हैज पहले कर दिया ना, हैज राम अ काउ। नेक्स्ट क्या सीता को पेंसिल है, क्या सीता को पेंसिल है, सीता का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हैज, सिंगुलर है ना इसलिए हैज सीता अ पेंसिल, हैज सीता अ पेंसिल, क्या राम और श्याम को किताबें हैं, राम और श्याम मोर देन वन पर्सन हुआ, एक से अधिक व्यक्ति, तो इसी केस में हैव का यूज होगा, हैव राम एंड श्याम, हैव राम एंड श्याम बुक्स। ठीक है, आ रहा समझ में ना, क्या राम को गाय है, हैज राम अ काउ, क्या सीता को पेंसिल है, हैज सीता अ पेंसिल, क्या राम और श्याम को किताबें हैं, हैव राम एंड श्याम बुक्स। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव, ठीक है, जैसे क्या राम को गाय है तो क्या हो जाएगा, क्या राम को गाय नहीं है, उस तरह क्या सीता को पेंसिल है, क्या सीता को पेंसिल नहीं है, क्या राम और श्याम की किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या राम और श्याम की किताबें नहीं है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, उसी तरह से सिर्फ नॉट का यूज करना है, हैज राम नॉट, हैज राम नॉट अ काउ, या फिर हैज राम नो काउ, दोनों लिख सकते हैं, हैज राम नॉट अ काउ या फिर हैज राम नो काउ। उसी तरह से हैज सीता नॉट अ पेंसिल, हैज सीता नॉट अ पेंसिल या फिर हैज सीता नो पेंसिल, अगर नो लगाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, और अगर नॉट लगाएंगे तो ए लगाएंगे, ठीक है, कॉन्टेबल है इसीलिए। उस तरह से क्या राम और श्याम की किताबें नहीं है, हैज राम और श्याम नो बुक्स, इस तरह यहां पर प्लुरल है इसलिए डायरेक्ट नो बुक्स, ठीक है, क्या राम और श्याम को किताबें नहीं है, हैव राम एंड श्याम नो बुक्स। समझ में आ गया, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन वर्ड, अगर अच्छी तरह समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छा समझेंगे ना। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्यों कब कैसे कहां, इस तरह का क्या रहेगा तो व्हाट का यूज करना, क्यों रहेगा तो व्हाई, कब का क्या होता है व्हेन, कैसे का हाउ और कहां का वेयर। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, तो राम के पास पैसे क्यों नहीं है, क्यों आया वर्ड, क्यों का क्या करेंगे वाई यूज करेंगे ना, वाई राम सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, वाई हैज राम नो मनी, नहीं दिए इसलिए नो का प्रयोग किया ना, Why has Ram no money? राम के पास पैसे क्यों नहीं है?
सीता के पास कैसे दो कार्य हैं, कैसे का यूज है ना, तो कैसे में हम लोग हाउ का यूज करेंगे। हाउ हैज सीता टू कार्स, सीता के पास कैसे दो कारें हैं, हाउ हैज सीता टू कार्स। ठीक है, आगे समझ में। इस तरह से अगर बीच में क्या रहे तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, कब रहे तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, कहां रहे तो वेयर का प्रयोग करेंगे। बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, और जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यूज करते हैं ना, इस तरह से हम लोग हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आप लोग हैव और हैज का यूज करने के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हैव और हैज में दिए गए ट्रांसलेशन को बनाने का, है ना, तभी आप हैव और हैज का यूज कर पाए।